असलम एवरी वन आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आज वीकेंड है और अगर सुबह होते ही बालकनी का एक चक्कर लगा लो ना तो यार मतलब इतनी फ्रेश बीट मिलती है और इतनी गुड वाइब्स आती हैं और सर्दी यहाँ पर लाहौर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रीम वाली यहाँ पर सर्दी पड़ रही है और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले तो मैंने आके बर्तन धोए रात वाले जो थोड़े से चाय के बर्तन थे ना वो मैंने रात को नहीं धोए थे तो वो आके धो के रखे और ये गाजरें मैंने रात को ही धो के रख दी थी अब ये ड्राई हो गई थी आज मुझे बनाना था गाजर का हलवा और लेकिन सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं नाश्ता हम लोग मिलकर करेंगे मैं हस्बैंड और बच्चे क्योंकि वीकेंड है हस्बैंड घर पे हैं पहले तो हमारा प्लान था कि हम लोग हलवा पूरी खाने जाएंगे लेकिन आ, फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया और मैंने सिंपल से चाय के साथ जो है ना वो टोस्ट बना लिए थे देसी घी को तवे पर डाला और देसी घी जब मेल्ट हो गया तो इस पर ब्रेड रख के अच्छे से टोस्ट कर दी तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो फ्लेवर देते हैं और वैसे भी बहुत हेल्दी हो जाते हैं और बच्चे भी थैंक गॉड चौक से खा लेते हैं और मुझे यहाँ पे जो है ना ब्रेड बहुत पसंद आ गई है एक बेकरी की और लेकिन रस मुझे यहाँ पे कहीं के भी अच्छे नहीं लग रहे हैं अच्छा हलवा पूरी आ... हमने खाने जाना था तो प्लान इसलिए कैंसिल कर दिया कि हमें शाम को बाहर निकलना था मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी घर की चीज़ें लेनी थी और फिर बच्चे आपको पता है वीकेंड का मतलब होता है कि बच्चे पा क्लास में ही चाहे सैटरडे हो संडे हो पूरा वीकेंड बच्चे पा क्लास में ही जाते हैं तो इस वजह से हमने बाहर जाने का बाहर नाश्ता करने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि तो आज मुझे बहुत सारे काम करने थे वीकेंड का मतलब होता है कि घर भी और घर से बाहर भी और मेरे नाश्ता बनाते और बच्चों को नाश्ता करवाते ने जो है ना वो गाजरें कद्दूकश कर दी थी थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग तो ये है मेथी और आज मुझे सालन में बनानी थी आलू मेथी मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था लेकिन जब मैंने मेथी मंगवा ली और उसके बाद जब मैं इसको बनाने बैठी तो मत पूछें कि मुझे मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या अजाब मैंने अपने सर ले लिया इतना टाइम टेकिंग होता है सब्ज़ी बनाना सब्ज़ी काटना इतना टाइम टेकिंग होता है और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आपने तो इसको कट नहीं किया स्पेशली अगर मेरे घर में से कोई मेरी भाभी या मेरी कोई सिस्टर देख रही होंगी ना तो वो कहेंगी कि इसको कटिंग नहीं की क्योंकि मेरी देवरानी ने ना एक बार आलू मेथी बनाई थी तो उसने बस इसी तरह इसको बना लिया था यकीन माने कटिंग करके एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती जब उसने बनाए ना तो मैंने भी सोचा कि आप इसको काट तो लो लेकिन इसको वॉश करते अच्छे से मसलते एक तो ये पत्ते थोड़े श्रिंक हो जाते हैं फिर जब ये पकती है पत्ते और श्रिंक हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप इसको ऐसे भी बनाए तो आलू मेथी बहुत अच्छी बनेगी वरना अम्मी के घर तो मैंने यही देखा था कि पहले पत्ते तोड़ते थे और फिर इसको कटिंग करके बनाते थे लेकिन जब मैंने अपनी देवरानी को देखा ना तो बस फिर मैंने भी इसको आज ऐसे ही बनाऊंगी और साथ मैंने नाश्ते के बर्तन धो के रख दिए थे और मैंने सोचा कि सालन चढ़ा दूँ और इसको पकाने में इतनी एफर्ट नहीं होती जितनी इसको बनाने में होती है बस हल्का सा मसाला भून के इसको चढ़ा दो ही खुद ही गलती रहेगी और ये बैक साइड पे छोटा सा एरिया है जहाँ पे मोटर और गीज़र और वायर्स वग़ैरह बनी हुई ये हमारे अंडर है तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे परसों और अब ड्राई हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े उतार लाऊँ और फोल्ड करके इनको भी रख दूँ अगर आप हांडी चढ़ा देना चूल्हे पे सालन तो सालन भी पकता रहता है और आपके साथ साथ इतने ज़्यादा छोटे चुट छोटे काम हो जाते हैं तो मैंने यहाँ से कपड़े उतारे और जाके पहले इनको फोल्ड करके रखा है और साथ साथ मैं अपने बेडरूम का भी चक्कर लगा लेती थी, थी पहले बिस्तर फोल्ड करके रखे फिर बेडशीट्स वगैरह सेट की सारा कमरा ऑर्गेनाइज़ किया और अब जो है ना सालन भी मेरा साथ साथ पक गया और मैं इसका साथ साथ इसकी भुनाई करूँगी तो इसका जो ऑयल है ना वो भी निकल आएगा तो देखिए पत्ते बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे कि बहुत मोटे मोटे हैं बिल्कुल ये गल गई है और पत्ते श्रिंक हो गए हैं आप इस तरह भी बना के ट्राई कीजिएगा बहुत अच्छी बनेगी उसके बाद हम आके थे बाहर एक तो वीकेंड था सलमान को ये होता है कि वीकेंड है मेरा ऑफ है तो मैं घर के लिए सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह ले लूँ और मैं एक शॉप पे आ गई थी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए थी और वीकेंड पे फिर सलमान पूरे हफ्ते का जो है ना वो लहसुन प्याज टमाटर आलू अदरक और घर का जो फ्रूट्स है वो ले, ले लेते हैं या फिर एक दो तो सब्ज़ी जो बनानी होती है वो ले, ले लेते हैं और इसके बाद पूरा हफ़्ता फिर हम सुकून से गुजार लेते हैं और जनाब मुझे यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे अच्छे डिकॉर के पीसेस बहुत अच्छे लग रहे थे कुछ एक्सपेंसिव थे कुछ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पे वैरायटी थी तो मैंने यहाँ से लेना था क्लॉक मैंने एक वॉल क्लॉक लिया था और फिर विद द परमिशन ऑफ दिस शॉप मैन मैंने पूछा कि मैं क्लिप बना लूँ तो ही सेट श्योर तो ये वाली जो शॉप है ना ये टाउनशिप मार्केट में है ये भी हमारे घर से कोई इतना दूर नहीं है और हम लोग ना हर वीकेंड पर कोई ना कोई मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और मैं और सलमान कोई ना कोई ऐसी शॉप ज़रूर जाते हैं जहाँ पर हमें घर की कोई चीज़ें मिलें और इस तरह इंसान को ना आइडिया होता है क्योंकि हम लाहौर में बिल्कुल नए नए हैं हमें इतना पता नहीं यहाँ पे मार्केट्स का यहाँ की शॉप्स का तो यूँ हर वीकेंड निकलते हैं और घर का सामान भी ले लेते हैं और मैंने भी जो चीज़ चाहिए होती है और इस तरह हमारे जो है ना बहुत सारी जगहों का आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिल जाएगी और यहाँ से मैंने एक वॉल क्लॉक लिया था और वॉल क्लॉक मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी घर जा और फिर हम लोगों ने घर आ अपना सारा सामान रखा और अच्छे से लंच किया अब हम जा रहे थे पार्क यहाँ पर शाम के चार बज गए थे और वीकेंड हो और बच्चे पार्क ना जाएँ हाउस इट पॉसिबल बच्चे तो पूरा वीक इंतज़ार करते हैं कि सैटरडे संडे हम लोग पार्क जाएंगे और सुबह नाश्ता करने के फ़ौन बाद से शुरू हो जाते हैं बाबा पार्क चलें बाबा पार्क चलें और मैं भी इस हक़ में हूँ कि बच्चों को वीकेंड पर लास्ट में पार्क जाना चाहिए क्योंकि पार्क में बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह तो ये हमारे अपने ब्लॉक का ही पार्क है हम लोग पैदल ही आ गए थे बिल्कुल एक स्ट्रीट छोड़कर बिल्कुल नेक्स्ट स्ट्रीट में हमारे ब्लॉक का ही पार्क बना हुआ है और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी लेकिन बच्चे हर वीकेंड पे अपने बाबा के साथ आ रहे थे और आज उन्होंने बोला मम्मा आप भी साथ चलें तो मैं भी आ गई थी और मैं थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ कि पार्क कैसा बना हुआ है हमारे अपने ब्लॉक का ये और बिल्कुल सिर्फ दो मिनट के जो है ना वो डिस्टेंस पे है मैं भी बच्चों को लेकर आ सकती हूँ और यहाँ पर स्लाइड्स वगैरह बच्चों के लिए थी और स्विंग्स लगे हुए थे और साथ में जो है ना जंपर बने हुए थे मतलब अच्छा था बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था और मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह क्रिकेट बहुत शौक से खेलते हैं और बहुत अच्छी खेलते हैं इसी एज में भी बहुत अच्छी खेलते हैं और साथ में उन्हें फुटबॉल का बहुत शौक है तो वो अपना फ़ुटबॉल खेल रहे थे पहले उन्होंने क्रिकेट का मैच लगाया और मैंने अपने कीनू वगैरह खाए क्योंकि मैं अपने बैग में रख के लेकर आई थी साथ में यहाँ पे डक्स भी थी हैंड्स भी थी लाइक like मतलब तो बच्चों को इंगेज करने के लिए ना पार्क एक बहुत अच्छी जगह होती है और थैंक्स कि हमारे घर के बिल्कुल करीब है दो मिनट के डिस्टेंस पे और मैं सोच रही थी कि अगर वीक में किसी भी दिन इनका दिल करे तो मैं ख़ुद भी इनको लेकर आ जाऊंगी सलमान के बग़ैर ही और मैंने थोड़ा सा मीठा में इन्जॉय किया और यहाँ पर इतने खुश पत्ते गिरे हुए थे और मेरे अंदर की जो राइटर थी ना वो अब निकल निकल कर आ रही थी और मैंने यहाँ पर बहुत मज़े का सनसेट इन्जॉय किया और बच्चे ऑफकोर्स अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे और बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम देना ना तो बच्चों को फिर हमें हेल्दी एक्टिविटीज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी वरना बच्चे बोर हो जाते हैं वो क्या करें आजकल वैसे भी छुट्टियां हैं और फारिस का जो है ना अभी एडमिशन भी स्कूल में नहीं हुआ क्योंकि अब सेशन जो है ना मार्च से स्टार्ट होंगे तो फारिस के बाद बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है और इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं पार्क से वापसी पे हम लोग एक बेकरी गए केक एंड बेक्स क्योंकि वहाँ से हमने दूध लेना था और मुझे बनाना था गाजर का हलवा और वैसे भी केक एंड बेक्स का जो मिल्क है ना वो बहुत अच्छा है और चाय बहुत मजे की बनती है और हमें आज कुछ एक्स्ट्रा ही दूध चाहिए था क्योंकि गाजर का हलवा बनाना था और उसके लिए भी मुझे चाहिए था फिर हम लोग अंडे ब्रेड ब्रस्ट जो भी होता है वो यहीं से ले लेते हैं और ये हमारे घर के बहुत करीब पड़ती है और इसके बाद असल काम मेरा शुरू हो गया था मैंने घर आते गाजर का हलवा चढ़ा दिया था सबसे पहले मैंने गाजरों को फ्राई कर लिया था और उसके बाद जब भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई इसका पानी खुश्क हो गया तो मैं इसमें दूध ऐड करूँगी और मैंने इसमें तकरीबन तो दो ढाई किलो दूध ऐड किया था और ये बहुत टाइम लेता है इट्स टाइम टेकिंग ये एटलीस्ट पकने में तीन घंटे तो लगा ही देता है मेहनत बहुत है लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा बना लेना तो आप थोड़ा ज़्यादा बना लें और डेली की अगर आप तीन से चार चम्मच पीस के ले लेना तो मीठे की क्रेविंग जो है ना वो पूरी हो जाती है और मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही बना रही थी और दूध जो है ना बा खुश्क हो रहा है और इसमें बस ये होता है कि आपको जो है ना चम्मच हिलाना पड़ता है बार बार आकर और आप इसको भूल नहीं सकते हैं और इसका भी, भी वही हिसाब है कि आप इसको एक बार चूल्हे पर चढ़ा दो तो आप मल्टीपल अपने काम निपटा सकते हो तो साथ साथ ही पकता भी रहता है और असल काम इसका होता है गाजरों को कद्दूकश करना वो सलमान ने कर दी थी तो मुझे इसको पकाना बहुत ईजी लग रहा था और दूध इसका सारा खुश्क हो गया था मैं इसको अच्छे से भून रही थी और बाद में मैंने इसमें खोया ऐड किया था और गार्निश के लिए कुछ बादाम ऐड किए थे वरना मुझे बादाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं गार्निश में तो ये बस अब मैंने दम पे रख दिया था हल्का हल्का जो है ना इसका ऑयल भी निकल आएगा अगर आप देसी घी डालें तो वो ज़्यादा बेटर है बच्चों के लिए वो आप मैं जब भी इसको गर्म करूँगी ना मतलब खाने के लिए बच्चों को जब भी दूँगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी और इसके बाद हम लोग बाहर डिनर करने आ गए थे और वीकेंड का मतलब यही होता है कि आउटिंग आउटिंग क्योंकि सलमान का मूड भी बहुत फ्रेश होता है वो फ्री होता है उनके पास टाइम होता है और पूरा वीक में भी घर पर रह के बस बोर हो जाती हूँ तो यहाँ पे हमने जो है ना अपना डिनर इन्जॉय किया यहाँ का ब्रोस्ट बहुत अच्छा था बहुत फ़ेमस था तो सलमान ने बोला कि मैं आपको खिला के लाता हूँ और चाय वगैरह जो है ना वो फिर मैंने घर आके बना ली थी और अब रात के तकरीबन बारह बजने वाले हैं और बस अब मैं जाके बच्चों को सुलाती हूँ तो ये वाला जो वॉल क्लॉक है ना ये हमने लिया था और मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन दूर से जो है ना आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये काफ़ी मतलब ह्यूज इसका साइज़ है सो so यहाँ पे हमारा वीकेंड एंड हो जाता है आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा अच्छा लगता है तो लाइक कर दें अपना रखें बहुत सारा ख्याल थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर लव फेस